किसी ने कहा था, किसी से न कहना, लगे चोट दिल पर तो खामोश रहना, बना लो कोई खूबसूरत बहाना, मेरे आंसुओं सीख लो मुस्कुराना। ये कहा फिल्मी दुनिया वालों ने, हमारे भारत देश में इतनी बड़ी कोरोना वायरस महामारी चली हुई है जिससे पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है, पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। योगेश भाई, बाप बेटे के पास बैठना पसंद नहीं कर रहा है, माँ बेटी के पास बैठना पसंद नहीं कर रही है, ऐसा समय पहले कभी नहीं आया। इससे पहले जब कोरोना का थोड़ा शोर हुआ था, जब भी इतना कोई बड़ा मशहूर हल्ला नहीं था या जातना इतना बड़ा शोर नहीं था या इतना बड़ा महामारी में जोर नहीं था जो कि बेटा पिता के पास न बैठ सके और माँ बेटी के पास न बैठ सके। अभी मैंने चार लाइन व्हाट्सएप पर देखी, उसमें एक पत्नी के पति की डेथ हो जाती है, जब हॉस्पिटल में उसे ले गए, जब वो बीमार था उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया तो उसकी हॉस्पिटल में डेथ हो गई, तो डॉक्टरों ने उसे कोरोना सिद्ध कर दिया कि इसे कोरोना हो गया है। जब कोरोना सिद्ध कर दिया तो पत्नी ने भी कह दिया अपने बेटा बेटी से, अपने सास ससुर से, कहा तो दूर हो जाइए क्योंकि ये तो इस दुनिया में है ही नहीं, अब जो हमारा है ही नहीं तो उसके लिए क्यों तड़पे, क्यों रोए और क्यों उसके पास जाएं, क्योंकि यह बीमारी कुछ ऐसी है कोरोना, जब उसको कोरोना लग चुका है तो दूर हो जाइए, पता नहीं हमें भी हो जाए। तो इतनी बड़ी महामारी हो गई कि पत्नी खुद अपने पति के लिए शब्दों का शब्द यूज कर रही है कि पति से दूर हो जाइए। हमारे देश में ऐसी ऐसी पतिव्रता औरत हुई जो कि अपने पति के लिए चिता पर ही बैठ करके सती हो गई, लेकिन उस पत्नी को देखिए, उस पत्नी ने कह दिया कि इससे दूर हटिए वरना हमें भी कोरोना हो सकता है। तो मैं मोनू भाई सबसे कहूंगा, सोनू भाई सबसे कहूंगा कि बहुत ही दूरी बना करके रखिए, क्योंकि महामारी में बहुत बड़ा जोर है, बहुत तेज बीमारी फैली हुई है। मैं एक ही निवेदन करूंगा, वो निवेदन क्या है भैया जी, कहीं मत जाइए घर पे ही पाइए, कहीं मत जाइए घर पे ही पाइए, कपड़े से आप अपना मुंह दुबकाइए। बस एक ही निवेदन इस बीमारी से बचने का, और माननीय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी एक ही निवेदन किया है, अरे कहीं मत जाइए घर पे ही पाइए, कपड़े से आप अपना मुंह दुबकाइए। कहते सब लोग हैं बहुत बुरा रोग है, कहते सब लोग हैं बहुत बुरा रोग है, कोरोना से आप अपना जीवन बचाइए, कोरोना से आप अपना जीवन बचाइए, कोरोना से आप अपना जीवन बचाइए। तो मैं बस एक ही बात कहना चाहूंगा अपने देश के सभी नर नारियों से,
और एक ही निवेदन करना चाहूंगा, लाशों से कापी है, लाशों से कापी है दुनिया की धरती, लाशों से कापी है दुनिया की धरती। लाशों के लिए, डेड बॉडियों को रखने के लिए जमीन भी कम पड़ रही है। लाशों से कापी है दुनिया की धरती, ना जाने हाल क्या इस, ना जाने हाल क्या इस दुनिया का होना, ना जाने हाल क्या इस दुनिया का होना। जिंदगी का दुश्मन बना है कोरोना, जिंदगी का दुश्मन बना है कोरोना, जिंदगी का दुश्मन बना है है, तो अपने से अपने नजर फेर ले रे। पंडित जी, जब बुरा वक्त आता है तो अपने से अपने नजर फेर लेते हैं। आज ये बुरा समय चल रहा है तो भाई भी कह देता है कि मैं नहीं जाऊंगा, मौत हो गई है तो हो जाने दो, भाई मर गया तो उसके साथ मैं भी मर जाऊं क्या, देखेंगे दूसरे बंद में। मजबूर निर्धन लोग, अरे मजबूर निर्धन लोग कैसे कहेंगे, मरना तो पंडित जी उन लोगों का, योगेश भाई मरना तो उन लोगों का हो गया जो लोग रोज कमा करके रोज खाते हैं। ऐसे हमारे संगीत में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो रोज अपना काम धंधा करके रोज कमा के रोज खाते हैं, मरना उनका नहीं है। जिनके पास 10 बीघा जमीन है, 20 बीघा जमीन है, मरना उनका नहीं है, मरना उनका है जो रोज कमा के रोज खाते हैं। मजबूर निर्धन लोग कैसे कहेंगे, और भूखे और प्यासे घर में कैसे रहेंगे, भूखे और प्यासे घर में कैसे रहेंगे, भूखे और प्यासे घर में कैसे रहेंगे। रुकती नहीं है मौत भरे आह भरती, कैसे सहेंगे प्यार के, कैसे सहेंगे प्यार अपनों का खोना, क्यों जिंदगी का दुश्मन बना है कोरोना, जिंदगी का दुश्मन बना है कोरोना, जिंदगी का दुश्मन बना है कोरोना। मौत का नजारा देखा ये रोई जमी है, अरे मौत का नजारा देखा रोई जमी है,
सारी दुनिया की चलती, सारी दुनिया की चलती जिंदगी थमी है। सारी ब्रजवासी झड़ी, विष्णु ब्रजवासी झड़ी अश्वों की झड़ती, विष्णु ब्रजवासी झड़ी अश्वों की झड़ती। जीपी शर्मा आके कोई, जीपी शर्मा आके कोई करो जादू टोना, ना जाने हाल क्या इस दुनिया का होना। तो जिंदगी का दुश्मन बना रे को होना, हाँ जिंदगी का दुश्मन बना रे को होना।